महाभारत के इस श्लोक के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र बनाया गया था। नमस्कार, मैं प्रशांत। और हम जानते हैं कि पाइथागोरस, प्लेटो और अरस्तु द्वारा पृथ्वी के वास्तव में गोल होने के अपेक्षित सबूत देने के बाद दुनिया ने उनके दावे पर विश्वास किया था, लेकिन फिर भी इस दुनिया का सटीक रचना का अनुमान किसने लगाया? पृथ्वी का पहला नक्शा किसने बनाया? अकेले इस सवाल ने आज तक कई सारे तर्क दिए हैं, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का यह तर्क है कि 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व में एनॉक्सीमेंडर ने दुनिया का पहला मानचित्र बनाकर दिया था और यह मानकर बनाया था कि दुनिया गोलाकार है। लेकिन असली सवाल यह है कि वह इस सटीक निष्कर्ष तक पहुंचा कैसे? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले कि दुनिया को पता चलता कि पृथ्वी का वास्तव में एक डिजाइन था, इस संस्कृत महाकाव्य में सटीक रूप से वर्णन किया गया है कि दुनिया वास्तव में कैसी दिखती है। अगर हमारी बात पर आपको विश्वास न हो रहा हो तो आप जाइए महाभारत पढ़िए, यकीनन आपको आपका उत्तर मिलेगा। दुनिया का पहला नक्शा हजारों साल पहले भारतीय संत रामानुजाचार्य ने बनाया था, जिन्होंने महाभारत के इस छंद का सरलता में अनुवाद किया और दुनिया को उसका असली चेहरा दिया। महाभारत में यह वर्णित है कि कैसे महर्षि वेद व्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दी थी ताकि वे अपने आगामी युद्ध की घटनाओं का वर्णन देख सके। लेकिन युद्ध के प्रश्न शुरू होने से पहले ही धृतराष्ट्र ने उनसे यह वर्णन करने के लिए कहा कि अंतरिक्ष से दुनिया कैसी दिखती है, और इस प्रकार से उन्होंने दुनिया के चेहरे का वर्णन किया कि यथा हि पुरुषः पश्यदादरश्य मुखमात्मनः एवं सुदर्शना इपो दृश्यते चंद्रमंडले द्विरंश एपि पुलस्ततः रद्विरंशे च शशो महानः। यह श्लोक भीम पर्व के भाग से लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ है जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार यह द्वीप यानी कि पृथ्वी चंद्रमंडल पे दिखाई देता है। इसके दो अंशों में पीपल के पत्ते और दो अंशों में सस यानी कि बड़ा सा खरगोश दिखाई देता है। इस श्लोक के आधार पर संत रामानुजाचार्य ने नक्शा तो बना लिया था, लेकिन कुछ पत्ते और एक खरगोश को देख करके दुनिया में इसका बहुत मजाक उड़ाया गया और बहुत दिन बाद जब तस्वीर को उल्टा कर दिया गया तो हकीकत सामने आई।